नमस्कार दोस्तों, मैं राम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। दोस्तों, आज स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, उसका नाम है इंडियन टेरेन फैशंस लिमिटेड। जब वीडियो बना रहा हूँ तब स्टॉक ट्रेड हो रहा है 63 रुपीज़ 80 पैसे पे। ले चलता हूँ आप लोग चार्ट पे, वहाँ पे चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया 285.40%, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है -52.21%, 1 ईयर रिटर्न दिया है 85.06%। पिछले सालों में स्टॉक लगभग दोगुना हो चुका है। ईयर टू डेट रिटर्न दिया है 70.37%, 6 मंथ में रिटर्न दिया है 86.40%, 1 मंथ में रिटर्न दिया है 56.88%, 5 डेज में रिटर्न दिया है 28.41%, और 1 डे में रिटर्न दिया है 3.79%। दोस्तों, हम आगे स्क्रीन वेबसाइट पे, यहाँ पे और डिटेल एनालिसिस करेंगे इंडियन टेरेन फैशंस लिमिटेड। दोस्तों, कंपनी के बारे में जानते हैं। इंडियन टेरेन फैशंस लिमिटेड इज़ इन द बिजनेस ऑफ ब्रांडेड अपैरल्स इन इंडिया। ITFL ऑपरेट्स विद इन इंडिया एंड ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ रेंजेस फ्रॉम शर्ट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स एंड एक्स्ट्रा। द कंपनी स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस इन 2000 विद सेलिब्रिटी फैशंस लिमिटेड एंड द कंपनी गॉट demerged from Celebrity Fashions Limited into a separate listed entity in April 2010. The company started with 20 exclusive brand outlets. ले चलता हूँ आप लोग को इसकी वेबसाइट पे। दोस्तों, वेबसाइट है इंडियन टेरेन फैशंस लिमिटेड की। जैसा कि देख पा रहे, काफ़ी खूबसूरत वेबसाइट बनाई इन्होंने और धोनी जी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसा कि वेबसाइट पे दिख रहा है। यहाँ पे एक वीडियो भी है उनकी और काफ़ी खूबसूरत वेबसाइट बनाई इन्होंने, देख पा रहे हैं आप। तो उन्होंने काफ़ी स्टाइल में कपड़े पहने हुए हैं वेबसाइट पे और काफ़ी कुछ वैराइटीज ऑफ क्लोथ्स हैं इनके पास, ट्राउज़र, टी शर्ट, शर्ट्स, काफ़ी चीज़ें हैं, आप वेबसाइट पे आके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कूपन भी आ गया था, आप वेबसाइट पे आके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 255 करोड़ की है, इसका जो करंट प्राइस है 62 रुपीज़ का है। इसका जो 52 वीक हाई है 65 रुपीज़ का, 52 वीक जो लो है 26.6 रुपीज़ का है। स्टॉक की जो पी है 28.8 की है। इसकी जो बुक वैल्यू है 45.9 रुपीज़ की है। डिविडेंड रेट 0 की है। ROIC -9.69% की है। इसकी जो ROE है -15.3% की है। इसकी जो फेस वैल्यू है 2 रुपीज़ की है। दोस्तों, चार्ट है इंडियन टेरेन फैशंस लिमिटेड का। जैसा कि देख पा रहे हैं, स्टॉक ने पिछले 1 सालों में काफी शानदार रिटर्न दिया है। क्रॉस चेक करते हैं। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ऐसे उम्मीद है कंपनी अच्छा क्वार्टर ही दे
प्रोड्यूस करेंगे, कौन चेक करते हैं। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, कम है। कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -8.09% ओवर पास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों में कंपनी पुअर सेल्स ग्रोथ डिलीवर की है -8.09% की। प्रमोटर होल्डिंग इज लो 28.01%, प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है 28.01% की है। कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -2.97% फॉर लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लो है, कम रहा है -2.97% का। प्रमोटर है प्लेस्ड 66.44% ऑफ देयर होल्डिंग, प्रमोटर पर जितने शेयर हैं उसमें से 66.44% शेयर्स उन्होंने गिरवी रखे हैं। अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ ₹9.15 करोड़, कंपनी की जो अर्निंग है उसमें अदर इनकम है 9.15 करोड़ की। कंपनी हैज़ हाई डिबेटर्स ऑफ 387.82 डेज, कंपनी का जो डिबेटर्स डेज है वो हाई है 387.82 डेज का है। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स हाई, ऐसा प्रतीक होता है कंपनी ने जो बोरोइंग ली है, उधारी ली है, उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। पीयर कंपनी चेक करते हैं, कंपनी जो काम करती है टेक्सटाइल के सेक्टर में काम करती है, जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट्स की है, सेक्टर में जो नंबर वन कंपनी है ट्राइडेंट है, देन वेलस्पन इंडिया, उसके बाद गरवारे टेक है, देन TCNS क्लोथिंग कंपनी है, देन नंबर 5 पे रेमंड है, देन PDS मल्टी है, देन जिंदाल वर्ल्ड वाइड है, और नंबर 8 पे इंडियन टेरेन फैशंस लिमिटेड। इसका क्वार्टरली जो चेक करते हैं, दिसंबर 2018 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी वो 6.69 करोड़ की थी, और सेप्टेम्बर 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है 1.96 करोड़ की है। अभी नेट प्रॉफिट है उसमें कमी आई है, मार्च 2010 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी 0 करोड़ की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है -31 करोड़ की है। कंपनी जो नेट प्रॉफिट है उसमें कमी आई है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स में 6%, 5 ईयर्स -8%, 3 ईयर्स में -19%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर कोई जानकारी नहीं। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स में 11%, 5 ईयर्स में -14%, 3 ईयर्स में -25%, 1 ईयर में 78%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स में 7%, 5 ईयर्स में 2%, 3 ईयर्स में -3%, लास्ट ईयर में -15%। बैलेंस शीट चेक करते हैं, मार्च 2010 में जो इसकी टोटल एसेट्स थी 0 करोड़ की थी, और सेप्टेम्बर 2021 में जो इसकी टोटल एसेट्स है 436 करोड़ की है। तो कंपनी की जो टोटल एसेट्स है वो बढ़ी हुई है। कैश मार्च 2011 में जो इसका नेट कैश फ्लो था वो 3 करोड़ का था, और मार्च 2021 में जो इसका नेट कैश फ्लो -1 करोड़ का है। कंपनी के नेट कैश फ्लो में कमी आई है। रेशियो चेक करते हैं, मार्च 2011 में जो इसकी ROC थी 32% की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी ROC है -10% की है। तो कंपनी की जो ROC है उसमें कमी आई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं, दिसंबर 2018 में प्रमोटर्स के पास 29.35% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में प्रमोटर्स के पास 28.01% शेयर्स हैं। तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में कमी आई है। दिसंबर 2018 में FIs के पास 14.46% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में FIs के पास 7.16% शेयर्स हैं। FIs की शेयर होल्डिंग में कमी आई है। दिसंबर 2018 में DI के पास 28.62% शेयर्स थे, और सितंबर 2020 में DIs के पास 4.75% शेयर्स हैं। तो DI की शेयर होल्डिंग में कमी आई है। दिसंबर 2018 में पब्लिक के पास 27.57% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में पब्लिक के पास 60.08% शेयर्स हैं। पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है उसमें बढ़त हुई है। तो इसमें जो मेजर शेयर होल्डिंग है पब्लिक के पास ही है, उसके बाद प्रमोटर्स, FIDI, स्टॉक में FIDI की इन्वेस्टमेंट अभी भी है। दोस्तों ने डिटेल एनालिसिस किया इंडियन टेरेन फैशंस लिमिटेड का। दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।